हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज आप लोग पढ़ेंगे इल्म बदी या सनाए बदाए। इसके पहले आपने पढ़ा था इल्म बयान। इल्म बयान की चार किस्म थी, तशबीह, इस्तियारा, मजाज़े मुरसल और कनाया। वो था इल्म बयान। अब हम पढ़ेंगे इल्म बदी। तो इल्म बदी को सनाए बदाए भी कहते हैं। इल्म बदी को सनाए बदाए भी कहते हैं। सनाए माने सनात होता है। सनात माने हिंदी में इसको अलंकार कहते हैं, यानी गहना या जेवर। ठीक। तो इसकी तारीफ़ ये देखिए कि शेर में लफ्ज़ी व मानवी खूबियों की वजह से जो हुस्न पैदा किया जाता है या पैदा किया जाए, उसे इल्म बदी या सनाए बदाए कहते हैं। ठीक। यहाँ आपको तीन चीज़ देखना है। शेर में लफ्ज़ी व मानवी खूबियों की वजह से जो हुस्न पैदा किया जाए, यही सनाए बदाए है। इसकी दो किस्में होती हैं, एक होता है सनाए लफ्ज़ी, एक होता है सनाए मानवी। सनाए लफ्ज़ी को हिंदी में कहते हैं शब्दा अलंकार। शब्द माने होता है लफ्ज़, तो कहेंगे शब्दा अलंकार। और इसमें कहेंगे सनाए मानवी को अर्थालंकार। ठीक है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखिए, इसको समझने से पहले इसे सनाए है क्या, यानी लफ्ज़ी व मानवी खूबी है क्या जिससे हुस्न पैदा होता है। मान लीजिए कोई शायर है, ठीक है, कोई शायर है, उसके दिमाग में कोई ख्याल आया, अब वो शेर लिखने के लिए बैठा। तो जब वो शेर लिखने के लिए बैठता है तो शेर को पहले टूटे फूटे दो लाइन में लिख देता है। ठीक है। शेर को पहले वो टूटे फूटे दो लाइन में लिख देता है, और मतलब अपनी बात को, जो वो बात सोचा है उसको दो लाइन में वो लिख देता है। अब उन दो लाइन में वो क्या करेगा, वो हुस्न पैदा करेगा। क्या करेगा, हुस्न पैदा करेगा। तो शेर में हुस्न पैदा करने के लिए सबसे पहले इसका वज़न बराबर किया जाता है कि शेर का दोनों मिसरा बराबर है कि नहीं, वज़न में है कि नहीं, समझिए ना। तो वज़न इसमें बराबर किया, और उसके बाद फिर शेर में हुस्न पैदा करने के लिए रदीफ़ो काफिया। यहाँ रदीफ़ो काफिया रहता है दोनों में, समझ गए ना। तो रदीफ़ो काफिया से हुस्न पैदा किया, वज़न से पैदा किया, और फिर अच्छे अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया। अच्छे अच्छे अल्फाज लाए, मानीदार अल्फाज लाए, और काफ़ी मेहनत, दिमाग पर जोर डालने के बाद, वक्त बिताने के बाद, काफ़ी वक्त के बाद उस शेर को कम्प्लीट कर लेता है। और जब वो शेर कंप्लीट होने के बाद जब लोगों को सुनाता है, जब लोग वाह वाह कह देते हैं कि वाह शेर बहुत अच्छा है, तो जो है क्या है, यही इसी को कहते हैं सनाए। ठीक है ना, इसी को कहते हैं सनाए, इसी को कहते हैं हुस्न। अब बात समझ में आ गई होगी ना। तो यही है, अगर उस शेर में लफ्ज़ों के ज़रिए, उस शेर में लफ्ज़ों के ज़रिए हुस्न पैदा किया गया है तो उसको सनाए लफ्ज़ी कहेंगे, और अगर उस शेर में मानी के ज़रिए कोई हुस्न पैदा किया गया है तो सनाए मानवी को, सनाए मानवी उसमें होगा। ठीक है। इसको और आगे जब आप पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे इसको, जिसमें सनाए लफ्ज़ी में जितनी सनात होगी, सनाए मानवी में जितनी सनात होगी, उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक। और इसको दूसरे मिसाल से इस तरीके समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई घर बन रहा है, ठीक है, घर बन करके ईंट जोड़ करके घर खड़ा कर दिया गया, छत लग गया, घर खड़ा हो गया। अब क्या हो गया, अभी घर खड़ा हुआ, अभी उसमें हुस्न नहीं पैदा हुआ है, शेर में वो घर में अभी हुस्न नहीं पैदा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आप P5 का इस्तेमाल करेंगे। ये P5 क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा प्लास्टर। सबसे पहले क्या होगा, घर बनने के बाद सबसे पहले प्लास्टर होगा। प्लास्टर के बाद क्या होगा, POP होगी। POP के बाद क्या होगा, पुट्टी होगी। पुट्टी के बाद क्या होगा, फिर प्राइमर लगेगा, फिर क्या होगा, पेंट लगेगा। समझ गए ना, P P P P P5। तो प्लास्टर, POP, पुट्टी, प्राइमर, पेंट, यानी हर सारी चीज़ें करने के बाद जब घर अच्छा लगने लगा, जब घर के आसपास से आप लोग जाते हुए, आपके घर के आसपास से लोग जब देखने के देखें और कह दें कि हाँ वाह घर बहुत अच्छा है, यानी यही इसमें सनात हो गई है ना, यही सनात हो गई। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, लड़के लोग हैं, जब कहीं जाना होता है तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बाल सही कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, और जूता पहन लेंगे, बेल्ट लगा लेंगे, चश्मा लगा लेंगे, इन कर लेंगे, परफ्यूम मार लेंगे, और यानी वो अपने, यानी सारी चीज़ें करने के बाद अपने अंदर हुस्न पैदा कर लिए,
यानी देखने में अच्छे लगने लगे, तो यही सनात है, यही सना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद वो तमाम कम से कम 50 सेल्फी लेंगे। 50 सेल्फी लेने के बाद बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, यानी एक कामयाब सेल्फी होती है। उस कामयाब सेल्फी को वो फेसबुक पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे, और जब लोग उसको देखेंगे तो उसको कहेंगे वाह बहुत अच्छा। ठीक है, तो यही सनाए है, यही जो है सनाए है। औरतों को देखिए, कहीं जाना होता है तो 3 घंटे पहले से मेकअप करने लगती हैं, यानी वो देखने में अच्छी लगने लगे, उसमें हुस्न पैदा हो जाए। ठीक है, तो यही होती है सनात। अब समझ में आ गया होगा ना, तो यही सनात है, इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, और फिर अगले वीडियो में जल्दी सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानी के बारे में अलग अलग बताएंगे।